दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसाच्या तांडवाने जिल्हा हैराण झालाय. 20 रोजी रात्री 3 वाजताच्या सुमारास नाल्यात वाहून गेलेल्या तरुणाच्या कुटुंबियांनी नाल्याला रेलिंग नसल्यामुळे मुलगा वाहून गेल्याचा आरोप केलाय. जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाने बचाव मोहिमेत मोटरसायकल बाहेर काढली आहे, मात्र अद्याप मृतदेह सापडला नसल्याने कुटुंबात शोककळा पसरली आहे. 36 तास उलटले तरी अद्याप मृतदेह सापडलेला नाहीये. जाता रेलिंग लगी रहती तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल करके इधर रेलिंग लगवाओ आप, इधर जरूरी है. अब और भी खतरा है यहाँ पर, और भी खतरा है. हाँ, लोगों की जान का खतरा है. हर हर साल ये पानी यहाँ भरा रहता है. आज तो हमारा बच्चा गया, और भी कोई माओ के बच्चे, बहुत से बच्चे, किसी ने नुकसान नहीं आगे बच्चे बेचारे बचे रहे, आगे के लिए बच्चे बचे रहे. हर साल पानी भरता है. जल्दी से जल्दी करो थोड़ा सा, किसी का बच्चा यही 2-4 महीने में रेलिंग लगवा दो. लोगों के घरों में भी पानी भर गया. हाँ, बेड से लेके पुलिया के ऊपर में 5 फुट और बेड से लेके 15 फुट पानी. अच्छा, 15 फुट पानी का बहाव इतना फास्ट कि अब आप कल्पना कर लो. तो गाड़ी समझ गया ना, रेलिंग अगर रहती तो बहता ही नहीं और गाड़ी भी नहीं गिरती, बच्चा वहीं अटक जाता. सही बात, रेलिंग नहीं थी ना. बराबर, रेलिंग को तोड़ दिए. अरे झाड़ तो फिर गिरते हैं तो क्या कहते हैं वो रेलिंग कौन सी छोटी मोटी रेलिंग. आप देखो पहले पटवाल गिर गई पूरी. सही बात, 15 फुट गहरा पानी, 5 फुट पुलिया के ऊपर और 10 फुट नीचे. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.